हाय, मेरा नाम सुनील है और आई एम द ओनर ऑफ फिजिसेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो आज मैं आपको लेके आया हूँ सोहना मार्केट को लेके। जो सोहना बेल्ट पे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। और आज मैं मिलवाने वाला हूँ आपसे एक दिग्गज जो पुराने रियल स्टेट के खिलाड़ी हैं। सो आज मैं उनके प्रोजेक्ट पे लेके आया हूँ एल्डेको। एल्डेको सो आइए मैं उनसे मिलवाता हूँ। और ये हमारा एक क्लब हाउस है। सो चल चलते हम बात करते हैं। आइए, आज मैं आप स्पेशल गेस्ट हमारे जो है उनसे मिलवाने वाला हूँ। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ यहाँ के सेल्स हेड, जो जिनको पता भी नहीं है आज हम आने वाले हैं। सो हाय आशीष जी, हाउ आर यू? हेलो सुनील, वेलकम टू एल्डेको एकोलेट। इजी से लेकर आए आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स। तो अगर आपको अपने सपनों का घर लेना तो आज ही हमारी वेबसाइट easysell.in पर जाके सर्च करो, अपने सपनों का घर बुक कर। आपको पता था कि आज सुनील जी आने वाले हैं? नहीं, लेकिन आपने एंट्री करी तो पता चला कि हाँ सुनील आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपको देख के। काफी साल बाद मिल रहे हैं। मैंने एक एपिसोड शुरू किया है द सुनील दत्त शो के नाम से, जो लाइव ऑन संडे एवरी 4 PM आता है। अच्छा, सो मैं आज आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछने आया हूँ और बात करने आया हूँ कि सोना रोड के बारे में आपको रियल स्टेट को लेके क्या बोलना है, क्या व्यूज हैं? बिल्कुल सुनील, वेलकम टू पहले तो एल्डेको एकोलेट। थैंक यू। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी कंसर्न्स होंगे, मैं कोशिश करूंगा बेस्ट टू बेस्ट आंसर देने की। प्लीज शुरू करें। आइए आइए, प्लीज आइए। साथ साथ प्रोजेक्ट भी देखते दिखाते हैं आपको हमारा प्रोजेक्ट कैसा है। So, आशीष जी, रियल स्टेट को लेके आपका क्या कहना है? मतलब मार्केट को लेके आज की डेट में जो साउथ ऑफ गुड़गांव जो बात हो रही है, तो उस चीज को लेके क्या व्यूज रखना चाह रहे हैं आप? देखिए, आज की डेट में रियल एस्टेट काफी बूम पे है जी। आप देख ही रहे हैं लास्ट 3 साल के अंदर जो पीक लिया है रियल एस्टेट ने, लॉन्चेस जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं एक दिन में 2 दिन में सोल्ड आउट हो रहे हैं, तो लोगों की डिमांड आई है। आई थिंक कोरोना के बाद लोगों ने रियलाइज किया है कि घर की जरूरत क्या होती है और इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो उसके होने के बाद लोगों ने रियलाइज किया मुझे घर सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, आई थिंक आज की डेट में एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद अगर कोई सेक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी के अंदर, वो भी रियल एस्टेट सेक्टर ही है। सो हम देख सकते हैं, आई थिंक लोगों की डिमांड है, अप्रिसिएशन है, लोगों ने पैसा भी बनाया है, और आने वाले 2-3 साल के अंदर यही डिमांड आगे इसी तरह चलती रहेगी। तो जो साउथ ऑफ गुड़गांव है, उसका रेट कहाँ से शुरू हुआ था जब से ये प्रोजेक्ट आए थे, और आज कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, और आने वाले टाइम में ये प्रोजेक्ट कहाँ तक प्राइस को शूट करेंगे? देखिए, जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो ये 4250 करोड़ रुपए से शुरू किया गया था, और आज हम जो बेच रहे हैं वो 8000 रुपए के हिसाब से प्राइस प्रोजेक्ट बेच रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास जो इन्वेंट्री बची है वो हार्डली 2 से 3 अपार्टमेंट बचे हैं और 2 दुकानें बची हैं, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 99% सोल्ड आउट है जी। इसके बिकने के 2-3 रीजन है। पहला रीजन है, एक तो इसकी प्राइसिंग जी। आज की डेट में गुड़गांव के अंदर इस रेंज का प्रोडक्ट मिलता नहीं है। आज अगर कोई भी लोकेशन की बात कर ले, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो SPR हो, प्राइसिंग जो एवरेज हो गई है वो 13,000 से लेके 20,000 तक की हो गई है जी। तो एक अफोर्डेबल सेक्टर की जो डिमांड है, जो क्लाइंट है, जो 1 करोड़ के से लेकर 1.5 करोड़ तक का क्लाइंट है, उसके लिए ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो उनकी रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए ये एरिया और ये प्रोडक्ट बेस्ट सुटेबल है, इसीलिए डिमांड भी रही है प्राइसिंग के हिसाब से और वैल्यू फॉर मनी भी रहा है। आई थिंक यहाँ पे आपके पास 2 बेडरूम और 3 बेडरूम या 4 बेडरूम के भी ऑप्शन। हमारे पास यहाँ 4 साइज है। सबसे छोटा साइज जो है हमारा 2 BHK का है, 1264 स्क्वायर फीट का। उसके बाद 2 बेडरूम स्टडी है 1457, फिर 3 BHK है 1751, और सबसे बड़ा साइज है 3 बेडरूम सर्वेंट 2122 स्क्वायर फीट। तो हमारा स्टार्टिंग प्राइस जो है, मतलब 2 बेडरूम की बात करें तो किस रेंज से शुरू होता है और लास्ट प्राइस कहाँ खत्म होता है? आज की बात करी जाए तो 98 लाख से शुरू होता है 2 BHK और खत्म होता है 1 करोड़ 90 लाख। सो आई थिंक हमारे पास जो 1 करोड़ के कस्टमर है उनके लिए बेस्ट सुटेबल प्रोजेक्ट है ये। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की डेट में भी 60% से ज्यादा लोगों की जो बजट रेंज होती है वो 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ की होती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट यही है और बेस्ट लोकेशन यही है जो उनकी रिक्वायरमेंट को कैटर कर सकता है। और मैं आपसे पूछूं कि जो साउथ ऑफ गुड़गांव जो सोना रोड को लेके जो बात हो रही है, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो किस किस बिल्डर से कंपैरिजन में आ रहा है? देखिए, आपके 2 कंसर्न रहे हैं, पहले तो लोकेशन को लेके, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो साउथ ऑफ गुड़गांव हमने शुरू किया था जी, तब यहाँ पे प्राइसिंग 40-50 था और लोगों को बहुत दूर लगता था। बिल्कुल, क्योंकि आज की डेट में अगर हम राजीव चौक से बात करें तो राजीव चौक से ऑलमोस्ट 22 से 23 किलोमीटर का रास्ता है, डिस्टेंस है, तो लोग कहते थे यार इतना दूर कैसे आएंगे, बिल्कुल आइसोलेटेड लोकेशन है। क्वेरीज आती थी, बहुत दूर है,
जब तक हाईवे बना नहीं था आई थिंक उस टाइम पे अच्छी खासी क्वारीज आया करती थी। देखिए रियल एस्टेट डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जी। आप तो द्वारका एक्सप्रेस वे के स्पेशलिस्ट रहे हैं और सबसे ज्यादा काम आपने किया है, तो आप जानते थे 2017 के अंदर जब रियल एस्टेट द्वारका एक्सप्रेस वे का फंसा हुआ था हाईवे जी, तो वहाँ पे जो प्राइसिंग थी वो 5,000-6,000 रुपए थी। बिल्कुल आज हाईवे बनने से प्राइसिंग ऑलमोस्ट 3 गुना हो गई है, 15,000 से 17,000 रुपए का एवरेज प्राइस हो गया है। सिमिलरली यहाँ की जो भी डिमांड बढ़ी है वो डिमांड बढ़ी है एक तो हाईवे के ऊपर, क्योंकि ये नेशनल हाईवे 248 बन गया है, यही हाईवे पूरा केएमपी तक जाता है। आज राजीव चौक का जो डिस्टेंस रह गया है टाइम से बात करें तो 15 मिनट का रह गया है, जो पहले 45 मिनट लगते थे। आज की डेट में गोल्फ एक्सटेंशन रोड या वाटिका चौक से हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं। तो मतलब जो सोना रोड वाला जो बेसिकली जाम था वो बिल्कुल खत्म हो गया, फ्री हो गया, ट्रैफिक फ्री खत्म हो गया है, तो वो एक एडवांटेज रहा है। प्लस आज की डेट में डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, या मैं इसके बारे में भी आपसे पूछने वाला था, तो इसके आने से क्या इफेक्ट हुआ इस मार्केट के ऊपर? देखिए इफेक्ट ये हुआ है कि अगर हरियाणा में डीएमआईसी कहीं कनेक्ट कर रहा है वो सोना में कनेक्ट कर रहा है। आज किसी को अगर जयपुर जाना है कहीं जाना है तो उसको एनएचएट नहीं लेना पड़ता, वो यहाँ से आता है। पहले लोग जयपुर से जाए, पहले जयपुर एनएचएट से कनेक्टिविटी, एनएचएट से कनेक्टिविटी थी, ट्रैफिक जाम रखता था, तो 3-4 घंटे में तो जयपुर पहुंचते थे। आज ये 24 लेन्स का हाईवे बन गया है, तो यहाँ से जयपुर जाने में हार्डली आपको 1.5 घंटा लगता है, तो कम्यूटेशन बढ़ गया है। प्लस यही रास्ता आज आपको नोएडा कनेक्ट करता है, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट में कनेक्ट करेगा फ्यूचर में, तो कनेक्टिविटी बन गई है। तो कनेक्टिविटी से यहाँ प्राइसिंग शूट अप हुआ है, लोगों की मूवमेंट आ गई है। आज लोग कहते हैं यार मैं 20,000-30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का फ्लैट क्यों लू, जब वही अमेनिटीज मुझे मिल जाती है लेस देन हाफ द रेट पे यहाँ पे। तो 20,000 छोड़ के वो 8,000 के रेट में एक वही सोसाइटी जिसमें सारी अमेनिटीज है, क्लब हाउस, ग्रीन एरिया, पार्क, अम्यूजमेंट सब कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्यों ना रहे, इसमें रेंटल वैल्यू भी कम है। तो आशीष जी ये जो साउथ ऑफ गुड़गांव है और न्यू गुड़गांव को, दोनों को अगर कंपेयर करें तो आपका व्यू क्या रहेगा इन दोनों चीजों को लेके, या द्वारका एक्सप्रेस से या साउथ ऑफ गुड़गांव को लेके? देखिए दोनों के दोनों डिफरेंट मार्केट है, दोनों के दोनों एक माइक्रो मार्केट्स हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जहाँ पे जो लोकेशन है, यहाँ पे आज की डेट में 7 से 8 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एलडीको एक है, आशियाना के दो डिफरेंट प्रोडक्ट चल रहे हैं यहाँ पे, गोदरेज का प्रोडक्ट यहाँ पे है, सिग्नेचर का प्रोडक्ट यहाँ पे है। यहाँ पे जो एवरेज प्राइसिंग रही है वो रही आज की डेट में हो गई है 7,500 से लेके 8,500 की आ गई है। यहाँ पे एडवांटेज है कनेक्टिविटी का। सिमिलरली आज आपका न्यू गुड़गांव है वो भी शूट अप कर गया है, वहाँ पे काफी अच्छे अच्छे बिल्डर्स है, DLF प्राइमस वहाँ पे है, बेस्टेक वहाँ पे है, SS नया प्रोजेक्ट लेकर आया है, ये सारा एडवांटेज हुआ है वहाँ कनेक्टिविटी का। आज वहाँ द्वारका एक्सप्रेस कनेक्ट कर गया है, द्वारका एक्सप्रेस CPR से आप आते हैं, CPR से आप SPR पर चढ़ जाते हैं। प्लस आने वाले टाइम में आपने देखा होगा कि मेट्रो का अनाउंसमेंट हो गया है, मेट्रो का अनाउंसमेंट में और 25% अप्रिसिएशन होगा। जैसा मैंने आपको इनिशियली डिस्कशन किया था कि ये जो डिमांड है वो 2-2.5 साल और क्यों बढ़ेगी, क्योंकि मेट्रो आ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। तो मेट्रो कब तक बन जाएगी सर? देखिए 4 साल का होराइजन दिया है, ऑलरेडी सॉइल टेस्टिंग शुरू हो गई है सोना रोड के ऊपर, तो आप 4 साल का बोल रहे हैं तो 4.5 साल लेके चलिए, लेकिन 4.5 साल के अंदर आज जो प्राइसिंग यहाँ की 7,500 रुपए है, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि 11 से 12,000 रुपए का प्राइसिंग यहाँ पहुंचेगा, और सेम न्यू गुड़गांव का हाल होगा, न्यू गुड़गांव में जो आज 10,000 का प्राइसिंग है 15,000 पहुंचेगा जी। तो बेसिकली ये दिखाता है कि एक गुड़गांव एक सक्सेस स्टोरी रही है रियल एस्टेट के अंदर, काफी लोगों ने पैसा भी बनाया है, अच्छे प्रोडक्ट भी लिए हैं। आप भी जानते हैं कि आपने कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बेचे हैं, आज क्लाइंट बेस कहता है कि मुझे और दिलाइए गुड़गांव के अंदर, क्योंकि रिटर्न अच्छी है गुड़गांव के अंदर। तो हमारी ना कुछ जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनकी ना कुछ क्वेरीज हैं, जस्ट लाइक कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जो प्रोडक्ट लेके आते हैं, रेट अप्रूव भी हो जाते हैं लेकिन वो बन नहीं पाते हैं, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि मेरे को लगता है आप मार्केट के बहुत पुराने खिलाड़ी हो, तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी इन चीजों को लेके। देखिए रेरा के पहले तो बहुत ही ज्यादा कंसर्न्स है, कई डेवलपर डिफॉल्ट में रहे हैं, जैसे कि यूनिटेक था, अमरपाली रहा, सुपरटेक रहा, अगर गुड़गांव की बात करें अंसल्स के कुछ प्रोडक्ट स्टक रहे, ATS के प्रोडक्ट स्टक हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि रेरा के आने के बाद फिर भी जो बिल्कुल होप खत्म हो गई थी, आज 50% होप क्लाइंट्स के अंदर और बायर्स के अंदर जगी है, उनको पता है कि उनका पैसा सेफ है, क्योंकि गवर्नमेंट विदाउट रेरा प्रोजेक्ट लॉन्च करने नहीं देगी। बिल्कुल। अब रेरा की कुछ गाइडलाइंस हैं कि उसका पैसा जो उस प्रोजेक्ट के अंदर आया है उसमें एस्क्रो अकाउंट खुलना चाहिए और 70% पैसा उसी प्रोजेक्ट में लगना चाहिए, तो उससे बायर ज्यादा से ज्यादा सिक्योर रहे, सिक्योर रहता है। पहले क्या होता था कि बिल्डर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता था, उसको उसका पैसा लेके दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर देता, फंड को डाइवर्ट करता था, तो पहला प्रोजेक्ट भी स्टॉल होता था, दूसरा प्रोजेक्ट भी स्टॉल होता था अगर सेल रुक जाती थी तो। लेकिन आज रेरा की गाइडलाइन क्लियरली ये है कि 70% जो फंड है वो आपके इसी प्रोजेक्ट में लगेगा, तो सेफ गार्डिंग ऑफ इंटरेस्ट रहता है। दूसरा प्रॉपर लॉन्चेस डॉक्यूमेंटेशन के बिना ही बिल्डर लॉन्च कर देते थे कि रजिस्ट्री करा दी लैंड की और प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, आज बिना मैपिंग पास के, बिना रेरा के, बिना
मास्टर प्लान आज सारे अप्रूवल वेरीफाइड करने के बाद, अप्रूव होने के बाद ही एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकता है। उससे पहले एक प्रमोशन करने के पे भी पेनल्टी है आपके ऊपर। अच्छा। जो जो प्रमोट कर रहा है वो भी और डेवलपर के ऊपर भी। ओके। वो सब चीजें आई हैं। प्लस आज की डेट में आपका पैसा सिक्योर है, अगर बिल्डर डेवलप नहीं करता टाइम के अंदर तो पेनल्टी है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम पे होगा प्लस 2% के हिसाब से। तो बहुत चीजें एक कस्टमर के लिए रखी गई है इसके अंदर। आप तो जानते मेरे कहने के हिसाब से तो हमारे जो कस्टमर है ज्यादा सेफ सिक्योर है आज की डेट में, बिल्डर्स को लेके भी और अपने जो हार्ड एंड मनी जो उसकी जो होती है तो उस चीज को लेके भी ना। देखिए बिल्डर क्लाइंट तो सेफ है ही कहीं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा और फ्यूचर में सेफ्टी के लिए और अश्योरेंस के लिए तीन चार चीजों का ध्यान रखा जाए। पहला तो एक डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है। Exactly. ठीक है, उन्होंने क्या डिलीवरी रिकॉर्ड दिए हैं। बिल्कुल, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में लोग नाम पे जाते हैं कि इसका माल बिका तो सबसे बढ़िया यही होगा। बिल्कुल। उनका पास हिस्ट्री देखते नहीं है कि उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कैसे हैं, उन्होंने डिलीवरी क्या की, उनका पास रिकॉर्ड क्या रहा है। पहली चीज। जो दूसरी चीज देखनी चाहिए कि उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसकी वैल्यू क्या रही है, उसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी रही है। आप देखिए अभी नाम आया था, मैं बिल्डर का नाम लेना नहीं चाहूंगा, जिसके अंदर फ्लोर पूरा का फ्लोर केव इन कर गया था, जिसमें एक आधे लोग की जान भी चली गई थी। तो वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। पैसा ही हर चीज नहीं है। कई बार प्रोडक्ट डेवलपर का नाम भी इम्पोर्टेंट होता है, उसकी डिलीवरी उसकी क्वालिटी मैटर करती है। लोग सोचते हैं सस्ता बेच रहा तो बढ़िया बेच रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार ये कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एक बार तो वो वाली चीज़ भी देखनी, वो भी देखनी चाहिए होती है कि बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या क्वालिटी डिलीवर की है और टाइमली डिलीवरी की है कि नहीं की है, उसके बेसिस पे अपना डिसीजन लें। जी बिल्कुल। तो आशीष जी एक बात और पूछना चाहूंगा, आई थिंक मेरे को जहाँ तक नॉलेज है आप पहले यूनिटेक में थे, फिर आप ATS में आए, आज आप LDCO साइड हेड है। तो जो पिछले जो पास्ट हिस्ट्री है, तो जैसे एग्जैक्टली मैंने ऐसा सुना है कि आपने ATS भी किया था, तो ATS में एक प्रोजेक्ट था जो ATS ग्रैंड स्टैंड नाम से था, आज उसका क्या स्टेटस है, क्योंकि मैंने सुना क्रैश हो चुका है प्रोजेक्ट। देखिए मैं अपना कैरियर का आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैंने 2010 से यूनिटेक से अपना कैरियर शुरू किया और एक साल बाद मैंने LDCO ज्वाइन किया। जी। सो 2011 से लेकर 17 तक मैं LDCO में था, फिर मैंने मूव इन किया अपना ATS की तरफ। तो सवा चार साल मैं अपना ATS में था और उसके बाद 2021 से मैं दोबारा LDCO ज्वाइन किया और मैं मल्टीपल लोकेशन देखता हूँ। अब आपको कंसर्न आया कि एक प्रोजेक्ट आया था ATS ग्रैंड स्टैंड, जिसको आप देख रहे थे। हाँ, जिसको हम देख रहे थे, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी 200 प्लस यूनिट बेची हुई है। उसके अंदर हमने पहली बात तो मैं कहना हूँ कि आपके जो भी क्लाइंटों ने खरीदा है उसका पैसा सिक्योर है, क्योंकि वो रेरा अप्रूव टावर थे जिन्होंने बेचा गया है। एग्जैक्टली। मेरे पास कई कस्टमर्स के फोन कॉल आते हैं, हम उनका आंसर दे नहीं पाते हैं, तो उनको क्या बताया जाए, क्या मतलब वो कहाँ से उनका सोल्यूशन निकलेगा, क्या होगा। देखिए डिले का तो पहला कंसर्न मैं ये कहूंगा कि डिले तो हुआ है, प्रोजेक्ट में कुछ इश्यूज रहे हैं फंड को लेके, ठीक है, लेकिन डेवलपर के उसका क्लाइंटों का पैसा मरा नहीं है, क्योंकि जो भी लाइबिलिटी होगी वो डेवलपर को पे करनी पड़ेगी, चाहे वो लैंड को बेच के पे करनी पड़े और वो भी इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट, ठीक है। तो पैसा नहीं मरा, तो सबसे पहले हमारे कस्टमर सिक्योर हैं, 100% सिक्योर है, क्योंकि पैसा रेरा के प्रोजेक्ट के अप्रूवल के बाद दिया गया, गाइडलाइन के हिसाब से दिया हुआ है। एग्जैक्टली। पैसा गया है एस्क्रो अकाउंट के अंदर, तो बेसिकली फिर एस्क्रो अकाउंट में पेमेंट पड़ी होगी, पेमेंट पड़ी हुई है जी, अकाउंट फ्रीज है। तो इसके अंदर अगर ज्यादा डिले होता है तो NCLT की मूवमेंट होती, NCLT लगा जाएगा इसके अंदर, और शायद लास्ट में अगर यही रहेगा दो ऑप्शन, या तो लैंड बेच के पैसा रिकवर किया जाए या गवर्नमेंट कोई एजेंसी हायर करी, जैसे आप देखते हैं JP के अंदर आपका NBCC ने एंटर किया है और अब वो प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट कोई एजेंसी या थर्ड पार्टी को हायर करेगी जो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। जी। तो एक एडवांटेज ये रहेगा कि हाँ नुकसान तो हुआ है, टाइम का डिले हुआ, टाइम तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो प्राइसिंग का एप्रिसिएशन हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने वो प्रोजेक्ट बेचा था 5,000 रुपए, उसी रेट पे ही आपको अलॉटमेंट मिलेगी। ओके। तो प्राइस का एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी आपको ही है। बेस्ट व्यूज रहेगा क्लाइंटों के लिए, बेस्ट व्यू है, इंटरेस्ट हम देंगे ही देंगे, डेवलपर वो फोर्स है देने के लिए, मजबूर है, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। So, हम बात कर रहे थे एक बार LDCO, आज आप हेड कर रहे हैं LDCO, साइड हेड हैं आप, तो मैं पूछना चाहूंगा LDCO के कुछ नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं मार्केट में। देखिए LDCO एक 1975 से कंपनी ऑपरेट कर रही है रियल एस्टेट के अंदर। जी। So, ये 40 साल पुरानी कंपनी है और 20 से ज्यादा सिटीज के अंदर हमारे प्रोजेक्ट आज की डेट में चल रहे हैं। Exactly. इस साल हमारा एक्सपेंशन का मूड है और हम चाहते हैं कि 4,000 से 5,000 करोड़ की इन्वेंट्री हम इस साल बेचे। Okay. उसके लिए हमने इस साल पहले में ही अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, जो लॉन्च किया वो नोएडा में शुरू किया, सेक्टर 12 के अंदर, जो विद इन वन डे सोल्ड आउट हो गया था। तो वो 650 करोड़ का प्रोजेक्ट पहले दिन हमने बेच दिया। फिर हमारा दूसरा प्रोजेक्ट जो अब आ रहा है वो लुधियाना के अंदर आ रहा है, राइट, पुखवाल रोड पे है। जी। वो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है। थर्ड प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है रुद्रपुर के अंदर, वन ऑफ द लेविश प्रोजेक्ट जो लेना चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट तीनों मिला के ही 1200-1500 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं।
उसके बाद एल्डेको का सबसे बड़ा साल का जो लॉन्च होने वाला है वो गुड़गांव में होने वाला है सेक्टर 80 के अंदर, आई थिंक 80 के अंदर। हाँ जी, वो वहाँ पे हम एक बहुत अच्छे लग्जरी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ एल्डेको विल बी कमिंग अप, जिसके अंदर सारा जो अपार्टमेंट होंगे गोल्फ कोर्स फेसिंग होंगे। और ये प्रोजेक्ट आ जाएगा मेरे ख्याल से थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, जिसका हम बिल्ट अप करेंगे सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर से। तो थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से ब्रीफ देंगे ताकि हमारे जो कस्टमर्स आपकी वीडियो देख रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो सुनील दत्त शो को देख रहे हैं, तो उनको उन चीजों का फायदा हो जाए, ताकि वो ना पहले से इस चीज की जानकारी रखें और एकदम से प्रोजेक्ट जब लॉन्च हो तो हैंड पेंट मेकिंग डिसीजन थोड़ा फास्ट कर लें इस चीज को लेके। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ चाहिए मेरे को, थोड़ा सा जो आप बता सके इन चीजों को। देखिए लग्जरी, कई बार लोग कहते हैं हम लग्जरी प्रोडक्ट ला रहे हैं, लग्जरी प्रोडक्ट ला रहे हैं जी। कईयों को लग्जरी की डेफिनेशन नहीं पता होती है। एग्जैक्टली, अब हम जो प्रोडक्ट ला रहे हैं इट इज वन ऑफ द काइंड प्रोजेक्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ गुड़गांव, एंड वी आर सेइंग इट लग्जरी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। पहला रीजन है डेंसिटी। आज की डेट में जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो हाई डेंसिटी में आ रहे हैं। पांच एकड़ के अंदर 450 अपार्टमेंट, 10 एकड़ के अंदर 1200-1300 अपार्टमेंट। हमारा जो प्रोजेक्ट है दैट विल बी टेंटेटिवली अराउंड 8.3 to 8.5 एकड़ का लैंड पार्सल होगा टेंटेटिवली, और इसमें 300 अपार्टमेंट होंगे प्लस 2 अपार्टमेंट हुआ कोरी होंगे। ओके, तो ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट रहेगा और ओपननेस से रहेगा। इसके अंदर हम ऑलमोस्ट 60% एरिया ओपन एरिया के रूप में दे रहे हैं। लो डेंसिटी है, 3 डिफरेंट साइजेस आएंगे, सारे अपार्टमेंट गोल्फ कोर्स फेसिंग होंगे। ओके, तो ये सारी, तो आई थिंक आप कर्मा के जस्ट साइड वाली लैंड की बात कर रहे हैं। कर्मा तो... के बिल्कुल साइड की लैंड है, वो वाली लैंड की हम बात कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट वी आर होपिंग दैट इट विल कम समवेयर अराउंड थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। मैं ज्यादा ब्रीफ देना नहीं चाहूंगा इसके बारे में क्योंकि अभी इसके अप्रूवल्स कुछ पेंडिंग है, रेरा का पेंडिंग है, तो यही हम बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक्जेक्टली, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जितने भी कस्टमर्स आपका जो प्रोडक्ट खरीदे तो वो विदाउट रेरा ना खरीदे। हाँ हाँ बिल्कुल, बेटर है कि सबसे पहले हम लोग रेरा लेके आए और उसके बारे में उसको सेल करें उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल 100%। देखिए ये एक इसकी जो प्राइस रेंज है वो कहाँ से शुरू होगी सर? देखिए अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन टेंटेटिवली व्हाट वी आर थिंकिंग इज अराउंड 17,000 to 20,000 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान हम सोच रहे हैं CLP लेकर आए। Okay. लेकिन अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, दिस डिसीजन विल बी टेकन जस्ट बिफोर वंस वी गेट द रेरा, और उसके बाद ही हम प्राइस थोड़ा डिस्क्लोज करेंगे। तो मतलब मेरे हिसाब से जो CLP प्लान होता है सबसे बेस्ट होता है कस्टमर के लिए, बिकॉज ऑफ क्योंकि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती है वैसे वैसे कस्टमर को पैसा पे करना पड़ता बिल्कुल। है, तो वो खुद भी सिक्योर है, यहाँ पे बिल्डर को भी टाइमली पेमेंट आती रहती है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट पेमेंट प्लान तो आज तक का CLP रहेगा। देखिए इस पे बिल्डर कुछ भी बोले कि मैं 20-80 बेचूंगा, कुछ भी बेचूंगा, CLP के अंदर मैंने बताया कि एस्क्रो अकाउंट के अंदर पैसा आएगा और उसी पैसे से काम होगा। बिल्कुल, तो जो आप पैसा दोगे उसी से हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। अगर पैसा आएगा नहीं, प्रोजेक्ट स्टॉल होगा, बनेगा नहीं, फिर कुछ नई स्कीमें आएंगी, फिर प्रोडक्ट स्क्रैप में जाएगा, तो हम वो चाहते नहीं है। बिल्कुल ठीक, इसीलिए पहले दिन से नॉर्मल पेमेंट प्लान निकाला जाएगा जिसके अंदर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के स्लैब के हिसाब से पेमेंट मांगी जाएगी और उसी पैसे से अभी कंस्ट्रक्शन को आगे एनहेंस किया जाएगा। सो आशीष जी मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, कोविड के बाद कितना रिस्पॉन्स है मार्केट में बायर्स को लेके, या कितने अपार्टमेंट बिक रहे हैं और कहाँ तक चीजें जा रही हैं, मैं थोड़ा उसके बारे में और जानना चाहूंगा। देखिए मैंने आपका सवाल इनिशियल स्टेज में भी आया था तो मैं उसका जवाब दोबारा देना चाहूंगा कि कोविड के बाद लोगों को दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइज हुई। अपना घर बना होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कोविड के टाइम पे लोगों के पास कई बार जॉब नहीं थी, कईयों के पास इनकम नहीं थी, क्योंकि जो पैसा दे रहा था उनके पास भी इनकम नहीं आ रही थी, वो आगे उन्होंने सैलरीज थोड़ी होल्ड कर दी थी या थोड़ी कम कट के दे रहे थे, कम कट के दे रहे तो थे। उसमें क्या हुआ, रेंटल पे नहीं कर पा रहे थे, लैंडलॉर्ड ने उनको एग्जिट करने का वो कहा, तो अपना मकान होने का सबसे बड़ी सहूलियत है कि इन सब चीजों से बचा जा सकता है, बचा जा सकता है। तो वो रियलाइज हुआ कोविड के बाद। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें रियलाइज हुई कि बड़े मकानों की रिक्वायरमेंट हुई है। पहले कहते थे कि 2 BHK एक छोटी न्यूक्लियर फैमिली के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बट कोविड के बाद देखा गया है कि लोग 3 बेडरूम में ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। रीजन क्या है, एक रूम में फैमिली रहेगी, बच्चे रहेंगे, एक में पेरेंट्स रहेंगे, या तो एक गेस्ट हाउस हो जाएगा या अपना ऑफिस भी आजकल वर्क फ्रॉम होम हो गया तो वो चल जाएगा। तो एक साइज, बड़े साइज की डिमांड पड़ी है, जो पहले होता कि 2 बेडरूम पहले बिकता था, आज 2 बेडरूम स्लो हो गया है। वो कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली होने के बावजूद भी हमें 3 बेडरूम तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। आप जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं लास्ट एक साल का आपका भी एक्सपीरियंस होगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट करते हैं कि 2 बेडरूम आज की डेट में डेवलपर कम बना रहा है, क्योंकि डिमांड कम हो गई है, 3 बेडरूम की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है जी। तो वो हो गया है जी। और so, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, बैंक इंस्टीट्यूशन को लेके कैसे फंडिंग करवा सकता है कस्टमर और कैसे इन चीजों को लायबल ला सकता है, और दूसरा आप भी एक जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो उसमें कौन कौन से बैंक रहेंगे आपके? देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक
आप लोग पहले सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि इसमें गवर्नमेंट बैंक इन्वॉल्व है कि नहीं है, exactly. इसमें HDFC इन्वॉल्व है कि नहीं है, उससे क्या होता है, पता है कि बैंक भी अपना ड्यू डिलीजेंस करता है इस प्रोडक्ट के ऊपर, तभी वो लोन देता है, अपनी रे की पूरी कर लेता है। इसीलिए उनको लगता है कि यार अगर बैंक इन्वॉल्व हो गया तो हम 25% अश्योर्ड है कि प्रोडक्ट सेफ है। तो पहला तो वो होता है इंपॉर्टेंट रोल। दूसरा, हर किसी का अपना अपना सिस्टम होता है, जैसे कई लोग होते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम बैंक में काम करते हैं तो चाहते हैं इसी बैंक से लोन मिले क्योंकि उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। कई कहते हैं इसमें HDFC अप्रूव्ड है, मेरा सैंक्शन पहले से अप्रूव्ड है तो मैं वहां से लोन ले लूंगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ए, पहले तो वो लोन डेवलपर को भी देते हैं कमर्शियल लोन जिससे वो प्रोडक्ट परचेज कर सके। बी, वो इंडिविजुअल कस्टमर को भी लोन देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट में परचेज कर सके। तो बैंक किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑलमोस्ट 25% रोल रहता है प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे। बेसिकली एवरी कस्टमर का ये क्वेश्चंस रहता है, जितने भी कस्टमर होते हैं इंक्वायरी आती है कि कंस्ट्रक्शन को लेके जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि कई प्रोजेक्ट में सीपेज की प्रॉब्लम आ जाती है और पपड़ियाँ झड़ने लग जाती हैं, तो इसको लेके आपका क्या बोलना है, क्या कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जो कस्टमर्स बाय कर सके, जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं? देखिए सुनील जी, आज आप जानते हैं आज के हम सोशल मीडिया के जमाने में रहते हैं जी, कोई भी चीज छुप तो सकती नहीं है, बिल्कुल ठीक बात सर। चाहे कुछ भी हो 2 मिनट में उसकी वीडियो बन के वायरल हो जाती है जी, है ना। अभी कुछ पास इंसिडेंट हुए थे जिसमें ये कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके कई इश्यूज जनरेट हुए, कई लोगों ने अपनी जान भी खोई। बिल्कुल। तो कंस्ट्रक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज दे रहे हो जो बार बार परचेज नहीं कर सकते हैं। कहते हैं 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रोटी कपड़ा और मकान। तो मकान एक ऐसी चीज है जो जरूरत की चीज होती है, आदमी शायद जिंदगी में एक या मैक्सिमम 2 ही परचेज कर सकता है, तो बहुत सोच समझ के लेता है। तो हर चीज को देखना पड़ता है। आप शायद, हम हमेशा ये कहते हैं कि आप 1000 रुपए महंगे ले लीजिए लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी दीजिए। जैसे आपने एक डायलॉग बताया था मेरे को कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आज की डेट में कंस्ट्रक्शन में इतना एनहांसमेंट हो गया है, पहले रेड ब्रिक्स आती थी, फिर फ्लाई ऐश आई, आज MyOne टेक्नोलॉजी आ गई है। तो हर कोई चाहता है कि बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करी जाए, हम भी वही यूज कर रहे हैं। हमारे सारे नए प्रोडक्टों में MyOne टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं और हमारे प्रोडक्टों में हम मेक श्योर करते हैं कि सीपेज के इशू ना आए, इसीलिए हमारी एक सुपरविजन टीम होती है जो साइट पे ही रहती है। वो रेगुलरली हर डे चेकअप करती है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे सही हो रही है, एज पर द गाइडलाइंस हो रही है, एज पर द ड्राइंग्स हो रही है, नहीं हो रही है। इसीलिए आज भी हमारे कई प्रोडक्टों में जिसमें हम 10-10 साल 15-15 साल पहले पोजेशन दे चुके हैं, आज भी सीपेज का इशू नहीं है। प्लस हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो उस रेंज के लिए वैल्यू फॉर मनी रहता है। हम कमीशन है, आप समझिए कोविड के टाइम में कई बिल्डरों ने प्रोडक्ट बनाया ही नहीं, लेकिन LD को कैसा बिल्डर रहा जिसने टाइमली डिलीवरी करी और लोगों को टाइमली पोजेशन दिया जी। और हमने हर चीज का ध्यान रखा। आप ये सोसाइटी को देख सकते हैं, आपके सामने कंस्ट्रक्शन अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। आज इस प्रोडक्ट को डिलीवर किए हुए ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं। कोई सीपेज का इश्यू हो, कोई पपड़ी झड़ने का इश्यू हो, पाथवे मेंटेन है, ग्रीन वॉक मेंटेन है, क्लब हाउस मेंटेन है, तो ये सब चीजें मेंटेन होती है, इससे क्लाइंट बनता है जी। बिकॉज यही क्लाइंट आपके वर्ड ऑफ माउथ है, यही दिखा के हम आगे बेचेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि अब इसको खराब कर देंगे तो कोई लेगा ही नहीं, देख के ही क्लाइंट आगे सोच विचार करता है कि यार बैक में इनका क्या आदत। समझे ना कि DLF को अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ता जी, उसके वर्ड ऑफ माउथ से लोग आते हैं कि क्वालिटी ऐसी बनाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन आज के जैसे 25% अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो 25-30% कंस्ट्रक्शन हमारा रोल प्ले करती है आगे के हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सुनील जी। मैं अपने को एक बात और बोलना चाहूंगा, अगले एपिसोड में मैं फिर एक नए अच्छे बेस्ट कलाकार जो गुड़गांव में प्रॉपर्टी को देखते हैं, पिछले अच्छे अच्छे दिग्गज रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आएंगे। लेकिन आज हमने आशीष जी से मिले, थैंक यू सो मच आशीष जी, बहुत अच्छा लगा सर। आपने हमारे क्लाइंटों को बहुत अच्छे से समझाया, आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर भी हो गए होंगे इस एपिसोड के अंदर। देखिए मैं एक छोटा सा एक फीडबैक देना चाहूंगा आपके चैनल को और आपके व्यूअर्स को, ये सुनील जी को मैं लास्ट 14 साल से जानता हूँ और ये बहुत ट्रांसपेरेंट वीडियो बनाते हैं। ये चाहते तो वीडियो बना सकते थे एक डेवलपर के साइड से कि सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाते हैं। लेकिन इन्होंने अब सारे जो कंसर्न पूछे गए वो एक बायर के प्रोस्पेक्टिव से पूछे गए, इन्होंने क्वेश्चन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए पूछा गया, कंस्ट्रक्शन के लिए पूछा, तो ये बहुत डिप्लोमेटिक फ्री होके वीडियो बनाते हैं। तो इसके लिए मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप ऐसी वीडियो बनाएं ताकि लोग बिल्कुल क्लियर व्यू जाने और एक्चुअल व्यू जाने कि डेवलपर में होता क्या है, कंस्ट्रक्शन में होता क्या है और एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में होता क्या है। Exactly. So, I'll wish you all the best for the future endeavors. लास्ट क्वेश्चन आपसे, हमारे जो दर्शक देखना चाहते हैं, इजी से लेकर आए आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स, तो अगर आपको अपने सपनों का घर लेना तो आज ही हमारी वेबसाइट easysell.in पर जाके सर्च करो, अपने सपनों का घर बुक करें। उनको आपके आप ब्रोकरेज फर्म को लेके या चैनल पार्टनर को लेके उनका क्या रोल रहता है वो थोड़ा सा ही करो। देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जो कोई नहीं पूछता है।
देखिए जब ब्रोकर की बात आती है तो लोग आज भी पुराने लोगों की मेंटेलिटी है ब्रोकर का मतलब प्रॉपर्टी डीलर है कि वो दुकान खोल के बैठा होगा प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा होगा जी। आज कुछ ऐसा नहीं है, जमाना चेंज हो गया है, सब लोग इनहेंस हो गए हैं। देखिए चैनल पार्टनर सिर्फ डेवलपर का काम नहीं फायदा नहीं करते, वो क्लाइंट के बारे में भी सोचते हैं क्योंकि उनको उन्हीं क्लाइंट से फ्यूचर में बिजनेस चाहिए। Exactly. अगर वो गलत चीजें देंगे तो क्लाइंट कभी आगे उनसे नहीं लेगा। बिल्कुल नहीं लेगा। प्लस आपको एक चैनल पार्टनर की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हर कोई डेवलपर बंदा अपनी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन देगा, बिल्कुल दूसरे को नहीं देगा। लेकिन आपको अगर एक चैनल पार्टनर के थ्रू आ रहे हैं, सही चैनल पार्टनर के थ्रू आ रहे हैं, वो आपको अनफिल्टर्ड सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट देगा, हर प्रोडक्ट के बारे में उनके यूएसपी बताएगा, प्लस माइनस बताएगा, स्वॉट एनालिसिस देगा, जिसके बेसिस पे आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, आपके बजट के बेसिस पे, आपके लोकेशन के बेसिस पे, आपके फैमिली साइज के बेसिस पे, वो एक आपको चैनल पार्टनर ही गाइड कर सकता है। तो कई लोगों का मिथ है कि चैनल पार्टनर हमेशा हमको गलत चीज ही देगा, उसका काम तो सिर्फ प्रॉपर्टी बेचना है, चिपकाना है, ऐसा नहीं होता है। आज की डेट में इन चैनल पार्टनर के थ्रू ही आप लोग अच्छी प्रॉपर्टी भी परचेज कर रहे हैं और एप्रिसिएशन भी ले रहे हैं और सही चीज गाइड भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इस मिथ को भूल जाइए, अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह मिलेंगे, हर सेक्शन में मिलेंगे, हर सेक्टर में मिलेंगे। लेकिन आज की डेट में चैनल पार्टनर का काम सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर नहीं रहा है, वो एक हमारे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है, हमारे एक्सटेंडेड आर्म्स है। अगर वो गलत बोलेंगे और तो हमारे पे भी रिफ्लेक्शन आएगा। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज ये भी रेरा में रजिस्टर्ड है। Exactly. अगर ये भी गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो इन पे भी केस होगा। तो इनको अपनी क्रेडिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है एज मोर देन आपके एक अपार्टमेंट से। इनको एक अपार्टमेंट नहीं बेचना है, मल्टीपल अपार्टमेंट बेचने हैं। तो इन मिथ को भूल जाइए, एक अच्छे चैनल पार्टनर को आप फॉलो करिए। आई सजेस्ट सुनील टू बी फॉलोड, इन्होंने मोर देन 1000 लोगों को अच्छी चीज प्रॉपर्टी दिलाई है और कभी भी गलत चीज नहीं दिलाई है अपनी चीजों को। एक बात और पूछना चाहूंगा, चैनल पार्टनर को शॉर्टलिस्ट कैसे करें, क्योंकि क्लाइंट बहुत ज्यादा है मार्केट में, गलत गाइड करने वाले भी चैनल पार्टनर ही है आई थिंक, तो शॉर्टलिस्ट कैसे करें उसको, क्या देखें उनके बारे में? देखिए चैनल पार्टनर का पास रिकॉर्ड देखा जाए, उन्होंने क्या क्या डिलीवरी करी है, कौन से प्रोडक्ट से वो एसोसिएटेड है। कई बार क्या होता है कि वो ऐसे प्रोडक्ट से एसोसिएटेड होते हैं जिसमें सिर्फ चीज अच्छी नहीं होती, उनको ब्रोकर जाते हैं। लेकिन एक सही चैनल पार्टनर आपको पैसे नहीं, वो क्वालिटी ऑफ चीज देगा जिससे वैल्यू ऑफ मनी मिलेगी। आपको और रिफर करना है तो आप उनके पास जो कस्टमर है उनसे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आप सुनील जी ने मेरे से पहले किसी को बेचा है तो आप बात कर सकते हैं, सुनील जी मुझे मिलवाइए, आपने किससे बेचा है, मैं एक बार बात करना चाहूंगा कि आपके सर्विस में कैसा रहा है। प्लस आज की डेट में हर कोई सोशल मीडिया पे है जी। आपके अपने फैन पेज बने हुए हैं, आपके अपने वेबसाइट्स बनी हुई है, उस पर कस्टमर फीडबैक्स देता ही देता है। Exactly, तो वो जाके चेक करिए कि फीडबैक्स क्या रहे हैं कस्टमर्स के, कस्टमर ने क्या वैल्यूएबल फीडबैक दिया है चैनल पार्टनर के ऊपर। डेवलपर साइड से पूछे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एलडीको में हूँ, आप मुझसे पूछेंगे कि सुनील जी का बैकग्राउंड क्या है, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा, इनसाइट मिलेगी कि सुनील जी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें छोटे बड़ी होती है जिससे आपको गाइड मिलता है और राइट डायरेक्शन में राइट चीजें आप चेक कर सकते हैं। इसी चीज के बारे में एक बात अपने व्यूअर्स को और बोलना चाहूंगा कि बेसिकली मेरे चैनल के ऊपर मेरे जो पर्सनल कस्टमर्स हैं, जिन कस्टमर को हमने बेचा हुआ है, मेरे उन लोगों की भी, उन कस्टमर्स की वीडियो भी हमारे चैनल पे है। सो आप जाके उनकी लाइव वीडियो देख सकते हैं और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए प्लीज, और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है, कोई चीज पूछनी है या फिर कोई चीज बिल्डर के व्यू से पूछनी है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। सो आज मैं चाहूंगा, हमारा थर्ड एपिसोड है ये, सो नेक्स्ट हम रहेंगे 4 एपिसोड। सो थैंक यू सो मच आशीष जी, नाइस मीटिंग यू, मिलते हैं फिर कभी। बेस्ट ऑफ लक ऑल फ्यूचर एंडेवर्स सर, हमारे जितने कस्टमर आएंगे आप प्लीज, अरे बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, सो मच सर, लवली मीटिंग यू, थैंक यू, बाय।